हमारा टर्म वन या फिर बोल सकते हो सेमिस्टर वन का सिलेबस खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद 10 दिन के बाद हमारा एग्जाम है, ठीक है। टर्म वन है, सेमिस्टर वन है। तो फिजिक्स में आज के क्लास में हम रिवाइज करेंगे जो हमने पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो एक एक क्लास में एक एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले आते हैं और क्या क्या थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम जो चैप्टर का रिविजन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो पहला चैप्टर है। अब पहला चीज इसमें आता क्या है, पहला चीज इसमें आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक, या बोल सकते हो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल का। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जिस पार्टिकल से जो संसार बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एटम बोल सकते हो, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये एक, इससे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से हमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी मिलता है, मतलब चार्ज की वजह से एक फोर्स भी अप्लाई होता है। उसके बारे में किसने बात किया था? उसके बारे में कूलम साहब ने बात किया था। और इसीलिए इसका जो चार्ज का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हमारा कितना है? एसआई यूनिट है कूलम, ठीक है, कूलम। और इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है? इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें इसका वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में अगर आते हैं तो प्रॉपर्टीज में पहला चीज होता है एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस, एडिशन ऑफ चार्जेस में का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन चार्ज है, Q1, Q2, Q3, तो जो नेट सम या नेट चार्ज होगा, हमारे पास टोटल कितना चार्ज है? नेट चार्ज जो होगा, क्यू नेट मेरा कितना हो जाएगा? क्यू नेट विल बी इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। मतलब हम चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि इस दुनिया में ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब नेट चार्ज इन दिस दुनिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो जाता है कि चार्ज को हम पोना मतलब 0.5, 0.25 या डेसिमल में हम काउंट नहीं कर सकते। या आइदर एक, आइदर होगा तो एक चार्ज होगा या फिर दो चार्ज होगा, 1.5 चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, वेयर एन इज इक्वल टू क्या होगा? ±1 ±2 ।। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज हमारा इन मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर्स रह सकता है। हम आधा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, आधा, 3/4 ऐसे चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आते हैं कूलम्स फोर्स। अगर हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको डिस्क्राइब किया था या एक्सप्लेन किया था हमारे कूलम साहब ने, और उसी में से हमारा कूलम्स फोर्स आता है। और अगर ये याद हो, एफ इज इक्वल टू कितना होता है? के इंटू Q1 Q2 / R² वेयर के का एक वैल्यू कितना होता है? 1/4πε₀, ये होता है के का वैल्यू, ठीक है। और के का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखे तो दैट विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर
पर कूलम स्क्वायर, ये उसका यूनिट है, ठीक है। कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो। अब रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब दो लाइक चार्जेस रहेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे, तो रिपेल अगर कर रहे होंगे उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर अनलाइक चार्जेस है तो उसको उनके बीच में जो फोर्स होगा वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और उसको भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक वेक्टर फॉर्म भी आता है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म है एफ टू वन इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर वन टू का कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, वेयर आर वन टू का कैप इक्वल टू कितना होता है, आर वन टू का कैप इक्वल टू आर वन टू का वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वन टू का वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये होता है। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, अगर दो चार्जेस मान लो ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहा होगा, अगर ऐसे देखे तो ये अगर Q1 और ये अगर Q2 हुआ, तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है या इस तरफ लग रहा है, अगर इधर से इधर लग रहा है तो F12 और अगर इधर से इधर लग रहा है तो F21, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। और इसका ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विच इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये होता है, ठीक है, माइनस ऑफ एफ टू वन। उसके बाद यहां पे और एक चीज आता है जो कि है यहां एप्साइलन नॉट, यहां पे एप्साइलन नॉट की बात की, एप्साइलन नॉट हमारा कितना होता है, क्या होता है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटेरियल होता है, कोई भी मेटेरियल का ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल। एप्साइलन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एप्साइलन का मतलब, एप्साइलन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इस देखो जितना, अब यहां पे याद रखना है, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, परमिटिविटी जितना ज्यादा, एप्साइलन जितना ज्यादा, फोर्स हमारा उतना कम, ठीक है। यहां पे देखो आप देख सकते हो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्साइलन नॉट है। तो अगर मान लो आपको सिर्फ एप्साइलन नॉट बोला है और पूछा है कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, मान लो, या फिर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जाए कि दो सिचुएशन दे दे कि दो अलग अलग मटेरियल पे दो सेम चार्जेस को रखा गया जिसका परमिटिविटी इस एक्स, मान लो मीडियम वन का परमिटिविटी कुछ है और मीडियम टू का परमिटिविटी कुछ है, तो फोर्स किसका ज्यादा होगा, जिसका परमिटिविटी कम होगा, जिसका परमिटिविटी कम होगा उसमें फोर्स ज्यादा होगा और जिसका परमिटिविटी ज्यादा होगा उसका फोर्स कम होगा। उसके बाद और एक चीज आता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्साइलन आर से। एप्साइलन आर इक्वल टू कितना होता है, एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट, या फिर फोर्स इन वैक्यूम, ये फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन ए मीडियम, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस रखे गए हैं तो नेट फोर्स कितना होगा एक चार्ज पे। मान लो जैसे कि अगर यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे और एक चार्ज है Q3, ठीक है, इन तीनों के वजह से एक दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा होगा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच एंड एवरी चार्ज,
ठीक है, मतलब अगर यह मान लो क्यू टू हो गया, इस पे जितना कौन कौन फोर्स डाल रहा है, ये और ये, तो इन दोनों का सम, इस पे कौन कौन फोर्स डाल रहा है, ये और ये, इन दोनों का सम, इस पे कौन कौन फोर्स डाल रहा है, ये और ये, इन दोनों का सम, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही होता है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें इन दोनों के वजह से जो फोर्स इस पे गिर रहा होगा या इसके वजह से इस पे जो फोर्स गिर रहा होगा, उस फोर्स के बीच में ये चार्ज का फोर्स इंटरफियर नहीं करेगा, थर्ड फोर्स इंटरफियर नहीं करता। ठीक है, ये हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस में मैं बताया हुआ हूं, फिर भी तो यहां पे कुछ पॉइंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लिख लो। फोर्स इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इतना लिख लिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज के वजह से उसके सराउंडिंग में कितना अफेक्ट या एक चार्ज के वजह से उसके सराउंडिंग में वो कितना इफेक्ट डाल रहा है, वो चार्ज कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मतलब अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर हैं एक बहुत नजदीक में विथ ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको हम बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक उसके बाद इलेक्ट्रिक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विथ ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, विथ ए स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद उसी में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू इसका डायरेक्शन होता है, और पी इज इक्वल टू कितना होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, टू ए क्या होता है, जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, मतलब अगर यहां पे एक चार्ज है क्यू वन या प्लस क्यू और यहां पे एक चार्ज है माइनस क्यू, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कितना होता है, एसआई यूनिट होता है कूलम्ब इनटू मीटर, सीएम सेंटीमीटर मत सेंटीमीटर मत सोचना, कूलम्ब इनटू मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने दो तीन केसेस पढ़े थे, दो केसेस पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल कहां पे, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर याद आ रहा हो तो एक्सियल पोजीशन क्या होता था, अगर यहां पे दो चार्जेस हैं, ये मान लो प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, अगर इसी के एक्सिस पे, इसी पॉइंट पे मैं अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, देन उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और अगर यहां पे परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर मतलब जो मिड पॉइंट है ओ से परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए और पी पे, इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन।
तो एक्सियल पोजीशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है E इज इक्वल टू के इंटू टू पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल का होल स्क्वेयर, ठीक है। और ये R आपका क्या होता है, R आपका होता है जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते थे। और इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी है, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, K इंटू पी बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2 ये होता है। अब इसमें स्पेशल केसेस क्या है, अगर ए जो है वो बहुत बहुत छोटा हो जाए आर से, ए क्या होता है ये वाला जो डिस्टेंस, ये अगर मिड पॉइंट है यहां से यहां ए होता है, ये अगर डिस्टेंस अगर इस पॉइंट पी से यहां ये आर होता है, ठीक है, अगर ये ए हमारा आर से बहुत बहुत छोटा हो जाए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल, ई एक्सियल हमारा कितना हो जाएगा, ई एक्सियल विल बी के इंटू टू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल मेरा कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल में कहां कहां एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है देन ये फॉर्मूला लगेगा ये दोनों, और अगर ये जो ए है ये बहुत छोटा है आर से देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। अब अगर याद हो चार्ज्ड रिंग हमने पढ़ा हुआ था, कुछ ऐसा रिंग था और उसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे मैंने इस चार्ज्ड रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर का स्क्वेयर होल टू द पावर 3/2, वेयर एक्स क्या है, यहां से यहां तक का दूरी एक्स है और यहां से ये इसका रेडियस आपका कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसमें इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अगर हमारा ये जो इसमें जो चार्ज होगा, अगर मान लो क्यू हमारा इसमें पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई विल बी अवे फ्रॉम द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द रिंग। और अगर क्यू हमारा क्या हो जाए, ये दूरी एक्स है, ठीक है, अगर क्यू हमारा नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, टुवर्ड्स द रिंग, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द रिंग। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है जीरो, और जितना हम ये पी को जितना दूर लेते हुए जाएंगे, जितना हम दूर लेते हुए जाएंगे, अगर मान लो ये एक्स इस रेडियस से बहुत बहुत बड़ा हो जाए, इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। कब, जब पी को मैं जितना दूर लेते हुए जाऊं, अगर पी एक्स जो है वो मेरा बहुत बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, ये सब हम पढ़े हुए हैं। उसके बाद आता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर मान लो आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें जो कि E है, और इसके अंदर मान लो मैंने एक डाइपोल रख दिया,
डाइपोल रख दिया, ये हो गया मान लो प्लस क्यू, ये हो गया मान लो माइनस क्यू, तो इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, टॉर्क इस वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई, पी क्या है हमारा, पी हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क ऑफ ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, टॉर्क, टॉर्क लग रहा है मतलब डाइपोल घूमेगा ऐसे सर्कुलर पाथ में, अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, वो घूमेगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे, बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करके हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बात करें ये क्या होता है, ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो और कहां से कहां ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करते हैं, और क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है या कैसा होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये कंटिन्यूस स्मूथ कर्व, कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होते हैं, स्मूथ कर्व होते हैं, स्टार्ट कहां से होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पे लेके आप टेंजेंट निकालते हो, अगर आप टेंजेंट निकालते हो तो वो टेंजेंट आपको किसका डायरेक्शन बताएगा, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दिखाता है, टेंजेंट, कोई भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कोई भी पॉइंट पे लेके अगर आप उधर टेंजेंट बनाते हो तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक ये, और हाँ और एक चीज, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर होते हैं टू द सरफेस, कोई भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और कैसे हो, अब इसके लिए आपको कुछ, मैंने जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था वहां पे कुछ कुछ डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम एक बार देख लेना, नोट्स में बनाए होंगे, डायग्राम देख लेना, डायग्राम के रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ई इनटू ए, फ्लक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, बोलता है फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस,
क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस थ्योरम बोलता है। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और गॉस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, गॉस थ्योरम में यह पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर मान लो चार्ज्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएस या क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहो, इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड इट। और इसी गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर निकाला था इसी गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। और वो कितना होता था, E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2π ε0 इंटू आर होता था, वेयर आर क्या है, रेडियस ऑफ वायर और लैम्बडा हमारा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन सीट निकालते थे, सीट के लिए भी हमने निकाला हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय 2ε0, वेयर सिग्मा हमारा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसको लैम्बडा इज इक्वल टू DQ/DL, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, DQ/DA पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, ठीक है। और ये कैसे हम निकालते थे, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। हालांकि आपको डेरिवेशन और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह तो करना नहीं है इस, लेकिन फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या फिर मान लो ऐसे ऐसे MCQ पूछ ले कि डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे, या ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जो फॉर्मूले के रिलेटेड हो, तो ये सब दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो 2022 के सिलेबस में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया उसके अलावा और कोई तीसरा चीज नहीं है। तो मैंने ब्रीफ में, मैंने हालांकि कोई डेरिवेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, लेकिन जो टॉपिक्स थे वो हमने एक बार पूरा रिवाइज कर लिए कि ये टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में है, ठीक है। इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और एग्जाम से पहले ये वीडियो जो बन रहा है ये यूट्यूब पे एक बार आधा घंटे का वीडियो बनेगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटे का वीडियो होगा, उसको एक बार सुन लेना। और उसके साथ साथ क्या जो नोट्स मैंने पहले जब रेगुलर क्लास पढ़ा रहा था, जो नोट्स मैंने करवाया है और जो नोट्स आप बनाए हो उसको एक बार पढ़ लेना, तो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस का रिवीजन करेंगे, ठीक है। होप आपको आज का ये रिवीजन वीडियो समझ में आया होगा और आपको एक रिवाइज हो गया होगा आपका चैप्टर नंबर 1 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोज में रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।